गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। टूडे वी विल डू एंटोनिम्स। बेटा, एंटोनिम्स का मतलब आपको पता है, अपोजिट्स, विपरीत। जो वर्ड होता है उसका उल्टा अर्थ किसी भी वर्ड के विपरीत शब्द को एंटोनिम्स बोलेंगे। विलोम शब्द आप हिंदी में भी करते हैं, आज हम वही करने जा रहे हैं। बेटा, आपने अपनी बुक में एक्सरसाइज भी फिल की हैं और आपका जो चैप्टर 14 है एंटोनिम्स अपोजिट्स, ये आप बुक में फिल कर चुकी हैं। आज हम कुछ और एंटोनिम्स कर रहे हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे और याद करेंगे। ओके बेटा, आप इन्हें विद स्पेलिंग लर्न करेंगे। ओके बेटा, देखो आपने एंटोनिम्स जो चैप्टर है वो अपनी जूम क्लास में भी किया है, आपने आपकी जो एक्सरसाइज है या चैप्टर है उसकी वीडियो को भी देखा है, एक्सरसाइज को भी अच्छे से फिल किया है, उसी से रिलेटेड है ये। और जो ये एंटोनिम्स हैं ये उन्हीं में से कुछ चूज किए हुए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से करेंगे। ओके, वर्ड्स एंड एंटोनिम्स। बेटा, आपको एक तरफ वर्ड लिखकर बताए गए हैं, दूसरी तरफ एंटोनिम्स है उसका। एबल, ए बी एल ई, एबल। एबल मीन्स होता है योग्य, समर्थ। एबल मीन्स योग्य या समर्थ। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? अनेबल। क्या होगा? अनेबल, यू एन ए बी एल ई, अनेबल। अनेबल मीन्स होता है बेटा अयोग्य या असमर्थ, अयोग्य या असमर्थ। नेक्स्ट है हमारा अबव। क्या है? अबव। अबव मीन्स ऊपर, ए बी ओ वी ई, अबव। अबव मीन्स ऊपर। अबव का बेटा एंटोनिम्स क्या होगा? बिलो। क्या होगा? बिलो, बी ई एल ओ डब्ल्यू, बिलो। बिलो मीन्स नीचे, बिलो मीन्स नीचे। नेक्स्ट है बेटा हमारा एक्टिव। एक्टिव का एंटोनिम्स या अपोजिट लेजी। एक्टिव लेजी। एक्टिव मीन्स चुस्त, ए सी टी आई वी ई, एक्टिव। और लेजी मीन्स बेटा आलसी। लेजी मीन्स आलसी, एल ए जेड वाई लेजी, एल ए जेड वाई लेजी। ओके बेटा, नेक्स्ट है बेटा हमारा एग्री। क्या है? एग्री। एग्री मीन्स सहमत होना, एग्री मीन्स सहमत होना। स्पेलिंग ऑफ एग्री ए जी आर ई ई, एग्री। एग्री का बेटा एंटोनिम्स क्या होगा? डिसएग्री या डिफर। डिसएग्री या डिफर, असहमत होना, अलग होना। स्पेलिंग ऑफ डिसएग्री डी आई एस ए जी आर ई ई, डिसएग्री। डिसएग्री डी आई एस ए जी आर ई ई, डिसएग्री। बेटा देखो, जो एग्री है उसी में डिस को ऐड किया हुआ है, डी आई एस, क्या बन गया? डिसएग्री। एंड स्पेलिंग ऑफ डिफर डी आई एफ एफ ई आर, डिफर। डी आई एफ एफ ई आर, डिफर। नेक्स्ट है हमारा बिफोर। क्या है? बिफोर। बिफोर मीन्स पहले, बिफोर मीन्स पहले। और आफ्टर बाद में, आफ्टर बाद में। स्पेलिंग ऑफ बिफोर बी ई एफ ओ आर ई, बिफोर। एंड आफ्टर ए एफ टी ई आर, आफ्टर। नेक्स्ट है बेटा हमारा बिटर। क्या है? बिटर, बी आई टी टी ई आर, बिटर।
BITTER बिटर। एंड बिटर का एंटोनिम स्वीट, बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा, स्पेलिंग ऑफ स्वीट SWEET स्वीट, स्पेलिंग ऑफ स्वीट SWEET स्वीट। नेक्स्ट है हमारा बॉटम, बॉटम मीन्स होता है बेटा नीचे, बॉटम मीन्स नीचे, BOTTOM बॉटम, BOTTOM बॉटम। बॉटम का एंटोनिम्स या अपोजिट टॉप, ऊपर, सबसे ऊपर, बॉटम टॉप, बॉटम टॉप, TOP टॉप। नेक्स्ट है हमारा ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, स्पेलिंग ऑफ ब्रॉड BROAD ब्रॉड, BROAD ब्रॉड। ब्रॉड का एंटोनिम्स नैरो, ब्रॉड का एंटोनिम्स नैरो, NARROW नैरो, NARROW नैरो। नैरो मीन्स जो कम चौड़ा है, संकीर्ण। नेक्स्ट है हमारा केयर, केयर मीन्स परवाह करना, देखभाल करना, CARE केयर। नेगलेक्ट क्या है एंटोनिम्स इसका, नेगलेक्ट, NEGLECT नेगलेक्ट। नज़रअंदाज करना, किसी चीज़ को अनदेखा करना, उस चीज़ की तरफ ध्यान ना देना किसी चीज़ की तरफ, उसे हम बोलेंगे नेगलेक्ट। ओके बेटा, ये समझ आया होगा आपको, आप अपनी जब नोटबुक में इन्हें लिखेंगे तो साथ में स्पेलिंग को भी रीड करेंगे और लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा चीप, क्या है चीप, चीप का एंटोनिम्स क्या होगा, कॉस्टली, चीप कॉस्टली, स्पेलिंग ऑफ चीप CHEAP चीप। एंड कॉस्टली कीमती, कॉस्टली कीमती, महंगा, कॉस्टली महंगा, चीप सस्ता, स्पेलिंग ऑफ कॉस्टली COSTLY कॉस्टली, COSTLY कॉस्टली। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट, कंप्लीट सभी को पता है, कंप्लीट का एंटोनिम्स या अपोजिट क्या होगा, इनकम्प्लीट, कंप्लीट इनकम्प्लीट। कंप्लीट में ही देखो बेटा इन लगा दिया है हमने, IN इन, इनकम्प्लीट जो पूरा ना हो और कंप्लीट पूरा। नेक्स्ट है हमारा डिफीट, DEFEAT डिफीट, डिफीट मीन्स होता है बेटा हार, हार, हारना, डिफीट हारना या हार, DEFEAT डिफीट। डिफीट का अपोजिट क्या होगा, हार जीत, हार जीत। तो डिफीट का एंटोनिम्स क्या हुआ, विक्ट्री, क्या आएगा विक्ट्री, VICTORY विक्ट्री, VICTORY विक्ट्री। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा अर्न, स्पेंड, अर्न स्पेंड, स्पेलिंग ऑफ अर्न EARN अर्न, अर्न मीन्स होता है बेटा कमाना, अर्न मीन्स कमाना, खर्च करना स्पेंड, खर्च करना स्पेंड, SPEND स्पेंड। अर्न मीन्स कमाना, स्पेंड मीन्स खर्च करना। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा फ्रेश, फ्रेश मीन्स ताजा, फ्रेश मीन्स ताजा, स्पेलिंग ऑफ फ्रेश FRESH फ्रेश, FRESH फ्रेश। फ्रेश का एंटोनिम्स क्या होगा, स्टेल, क्या होगा बेटा स्टेल, STALE स्टेल, स्टेल मीन्स होता है बासी, ताजा बासी,
ताजा बासी, स्पेलिंग ऑफ फ्रेश FRESH फ्रेश, एंड स्टेल STALE स्टेल। नेक्स्ट है बेटा मास्टर, मास्टर सर्वेंट, मास्टर सर्वेंट, मास्टर सर्वेंट। बेटा मास्टर, मास्टर मीन्स वैसे तो देखो आप शिक्षक बोल सकते हैं, मालिक, स्वामी, और मास्टर का एंटोनिम्स क्या हुआ? सर्वेंट। क्या हुआ? सर्वेंट, SERVANT सर्वेंट, और मास्टर MASTER मास्टर, स्पेलिंग ऑफ मास्टर MASTER मास्टर, एंड सर्वेंट SERVANT सर्वेंट। ओके बेटा, समझ आया सभी को? वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा प्लीजेंट अनप्लीजेंट, प्लीजेंट अनप्लीजेंट। प्लीजेंट मीन्स होता है बेटा आनंददायक, सुखद, सुहावना, और अनप्लीजेंट जो, प्लीजेंट सुखद, आनंददायक, सुहावना, प्रिय, और अनप्लीजेंट अप्रिय। अनप्लीजेंट अप्रिय, जो अच्छा ना लगी। देखो बेटा इसमें क्या किया है, प्लीजेंट PLEASANT प्लीजेंट, प्लीजेंट में ही अन को ऐड किया है, UN, अनप्लीजेंट। प्लीजेंट वाली स्पेलिंग तो वही है सेम, उसी में आगे ऐड कर दिया है UN। ओके नेक्स्ट है बेटा पॉपुलर। क्या है पॉपुलर? पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध, लोकप्रिय। पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध, लोकप्रिय। PUPULAR पॉपुलर, PUPULAR पॉपुलर, पॉपुलर अनपॉपुलर। इसमें भी क्या किया है बेटा, UN को ऐड कर दिया है पॉपुलर में, पॉपुलर में ही UN को ऐड कर दिया है। ओके बेटा नेक्स्ट है हमारा क्वाइट। क्वाइट मीन्स शांत, चुप। क्वाइट मीन्स शांत या चुप। नॉइजी, नॉइजी मीन्स शोर, नॉइजी मीन्स शोर। स्पेलिंग ऑफ क्वाइट QUIET क्वाइट, QUIET क्वाइट, और नॉइजी NOISY नॉइजी, NOISY नॉइजी। नेक्स्ट है बेटा हमारा रिड्यूस, इंक्रीज। रिड्यूस मीन्स कम करना, रिड्यूस मीन्स कम करना, और इंक्रीज मीन्स बढ़ाना। रिड्यूस कम करना, इंक्रीज बढ़ाना। स्पेलिंग ऑफ रिड्यूस RETUCE रिड्यूस, RETUCE रिड्यूस, एंड इंक्रीज INCREASE इंक्रीज, INCREASE इंक्रीज। नेक्स्ट है हमारा रिमेम्बर। क्या है रिमेम्बर? रिमेम्बर मीन्स याद करना, रिमेम्बर मीन्स याद करना, एंड फॉरगेट भूलना, फॉरगेट भूलना। स्पेलिंग ऑफ रिमेम्बर REMEMBER रिमेम्बर, REMEMBER रिमेम्बर, एंड फॉरगेट FORGET फॉरगेट, FORGET फॉरगेट। ओके बेटा नेक्स्ट है हमारा थिक। थिक मीन्स घना या मोटा, थिक मीन्स घना या मोटा। थिक का एंटोनिम्स क्या होगा? थिन, थिक थिन, थिक थिन, थिक थिन। स्पेलिंग ऑफ थिन TH IN थिन। थिक मीन्स घना या मोटा, और थिन मीन्स
पतला, थिन मीन्स पतला। नेक्स्ट है बेटा हमारा जिग जैग, जिग जैग मीन्स वक्र, जिग जैग वक्र, तिरछी लाइन या टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन होती है ना उनको बोलते हैं जिग जैग। जिग जैग स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स सीधा, स्ट्रेट मीन्स सीधा, स्पेलिंग ऑफ स्ट्रेट STRAIGHT स्ट्रेट, STRAIGHT स्ट्रेट। नेक्स्ट है बेटा हमारा वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, वाइज मीन्स बुद्धिमान। वाइज का एंटोनिम्स क्या होगा? अनवाइज। अनवाइज के अलावा एक और भी है फुलिश, क्या है? फुलिश। बेटा वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, WISE वाइज। वाइज में ही देखो हम अगर UN को ऐड कर देते हैं तो ये अनवाइज बन जाता है, अनवाइज मूर्ख, जो बुद्धिमान ना हो। फुलिश मूर्ख या बेवकूफ़, दोनों का ही ये मीनिंग है, अनवाइज एंड फुलिश। देखो बेटा वाइज में UN को ऐड किया, अनवाइज, और दूसरा क्या बताया हुआ है आपको? फुलिश, FOOLISH फुलिश, एंड UNWISE अनवाइज। समझ आया बेटा आपको? नेक्स्ट है हमारा रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मीन्स आदर करना, रिस्पेक्ट मीन्स आदर करना। डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट मीन्स अनादर करना, डिसरिस्पेक्ट अनादर करना। बेटा देखो इसमें भी आप ध्यान दीजिए, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट में आगे DIS डिस को ऐड किया हुआ है, डिसरिस्पेक्ट, DISRESPECT डिसरिस्पेक्ट। ओके बेटा नेक्स्ट है हमारा प्रीजेंस, उपस्थिति, प्रीजेंस उपस्थिति। प्रीजेंस का एंटोनिम्स या अपोजिट क्या होगा? एबसेंस। क्या होगा? एबसेंस, ABSENCE एबसेंस। प्रीजेंस PRESENCE प्रीजेंस, प्रीजेंस मीन्स उपस्थिति और एबसेंस मीन्स अनुपस्थिति। ओके बेटा, बेटा ये आपके एंटोनिम्स थे, वर्ड्स एंड एंटोनिम्स। एक तरफ आपको वर्ड दिए हैं, दूसरी तरफ उनके एंटोनिम्स लिखे हुए हैं। बेटा जब आप इनको लर्न करेंगे तो आपने सिर्फ एंटोनिम्स की स्पेलिंग को लर्न नहीं करना है, आपने वर्ड और एंटोनिम्स दोनों को ही लर्न करना है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है, अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको वर्ड दिया जाएगा और आप उसका एंटोनिम्स लिख रहे हैं, आपको एंटोनिम्स भी तो दिया जा सकता है। मान लीजिए मैंने आपको दिया एबसेंस, तो आप क्या लिखेंगे? प्रीजेंस। ओके बेटा, तो आपने स्पेलिंग जो है वो वर्ड वाली भी लर्न करनी है और एंटोनिम्स की भी करनी है। ओके बेटा, आपको समझ आया होगा और आप इन्हें अच्छे से रीड करेंगे और अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।